हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया इस वीडियो का। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं COVID-19 की सेकेंड वेव के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि इसके अंदर की एक एक्चुअल में क्या है, सेकेंड वेव क्या है, कहाँ से आती है, ऊपर से, बादलों से, पानी से? नहीं, एक्चुअल में सेकेंड वेव क्या होती है कि जैसे कि पिछले महीने के अंदर आप लोगों ने देखा था कि जो COVID-19 के केसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। और अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखें, एक हफ्ते पहले की बात है, जहां पर COVID-19 के केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो यही है सेकेंड वेव के चांसेस। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकेंड वेव का इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे बिजनेसेस या फिर जॉब्स है वो चले गए थे। और RBI की तरफ से भी गाइडलाइंस आई थी कि जितने भी EMIs है या जो कुछ भी है वो सारे के सारे उतने टाइम पीरियड के लिए कैंसिल कर दिए जाएंगे, लोगों को भरने नहीं पड़ेंगे। पर 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने का जो पीरियड था उसके अंदर आप EMI का आपका कैंसिलेशन हो जाता है। पर उसके बाद क्या, इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर बहुत सारे लोगों के जो जॉब्स है वो भी चले गए, जिनके EMIs चालू थे, उनका क्या होगा? तो उस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने लैंडलॉर्ड से या जितने भी साहूकार होते हैं उनसे, उन लोगों ने कर्जा लिया था, लोन लिया था, तो उसे भी रिफंड करना है, राइट? तो अगर वापिस से अगर लॉकडाउन लग जाता है तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि पहले से ही कर्जा लिया हुआ है, लॉकडाउन लगेगा, वापिस से अगर कुछ भी हो सकता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। अब जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की पीरियड के अंदर क्या क्या सारी चीजें हुई। जिन लोगों के पास पैसा था उन लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, और जो लोग बिलो पॉवर्टी लेवल थे उनके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स थी। बट जो मिडिल क्लास पीपल थे उनका क्या, उन लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया हुआ है या फिर साहूकारों से, लैंडलॉर्ड से पैसे लिए हुए हैं, और अगर वापस से ये सेकेंड लॉकडाउन लग जाता है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसी तरह जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा, मतलब अभी के कंडीशन के अंदर में बात करूँ तो सभी बिजनेसेस ठप चालू है। थोड़े बहुत ही सिर्फ बिजनेसेस है जो अभी ऊपर आ रहे हैं, पर उतने अच्छी तरह से नहीं। तो अगर वापस से लॉकडाउन लग जाता है सेकेंड वेव की वजह से, तो इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट गिरेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो -25 में जा रही है। आई एम नॉट श्योर कि कितना माइनस में है, पर 25 तो मिनिमम मुझे पता है, जहां तक मैंने रिसर्च की हुई है। तो ये हो जाता है, ये सेकेंड वेव आ जाती है तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। बचने के लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे फर्स्ट डे से वही हमें फॉलो करने हैं, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क पहनना है, हर 1 घंटे बाद आपको आपके हाथ सैनिटाइज करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी जो दिवाली का सीजन निकल गया है उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें ध्यान में रखी ही नहीं है, और यही चीज बनने वाली है सेकेंड वेव का कारण। अभी भी जितने भी, मतलब अभी भी मैं अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो यही यही चीज होती है जो सेकेंड वेव के लिए इम्पैक्टफुल होती है। क्योंकि अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, जितने भी इससे पहले महामारी आई है, COVID-19 ही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे आए थे, तो अगर आप उनका एनालिटिक्स देखोगे तो वहां पे आपको एक बात पता चलेगी कि जब कभी भी सेकेंड वेव आई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक आई है, और उससे बहुत ज्यादा, मतलब सभी लोग उससे बहुत ज्यादा हद तक अफेक्ट हुए हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो कुछ भी गाइडलाइंस है जो पहले दिन से आए थे उससे प्लीज फॉलो कीजिएगा, ताकि ये जो सेकेंड वेव है, जो कि सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी है। अब जो सबसे लास्ट चीज निकल के आती है वो आती है कि वैक्सीनेशन। तो जो दो बड़े वैक्सीन है जिनका नाम मैं आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे दे दूंगा, उन वैक्सीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो थर्ड फेज के अंदर चल रहे हैं, और मैंने यह तक भी सुना है कि थर्ड फेज के अंदर भी वो 95% तक उनकी एक्यूरेसी रही है। तो अगर ऐसा चलता है तो वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कब तक, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो आम आदमी है इंडिया के, उनको आराम से जून से लेकर जुलाई तक वो सारे वैक्सीन मिल जाएंगे। पर उसके लिए भी उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है, सभी देशों के पास से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर अप्रूव होके वो मार्केट में आएंगे। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है कि पहले किसे देना है, सीनियर सिटीजन को देना है या फिर यंग एज ग्रुप को देना है, जो कि ट्रैवल करते हैं, जॉब पे जाते हैं, उन लोगों को देना है। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। तो वैक्सीन आने पर डायरेक्टली आप लोगों को तक नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा, पर उस टाइम पीरियड तक हमें सिक्योर रहना है। जो ये 3 गाइडलाइंस है, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर
सेकेंड वेव इंडिया के अंदर आ जाती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी ये बात चल रही थी कि मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आई मीन जो हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर भी ये सारी बातें चल रही थी कि जो सेकेंड वेव है वो दिसंबर एंडिंग तक या फिर जनवरी स्टार्टिंग में आ सकती है, जिसके ऑलमोस्ट 60-70% चांसेस है, जिसके वजह से गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स हैं उनको पहले से ही उन्हें नोटिस दी गई है कि आप प्रिपेयर्ड रहो इफ इन केस आती है तो सारी चीजें प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए। तो यही चीज मुझे बतानी थी इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते चलेगा सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।